हेलो गाइस, आज हम कुर्ला से सेंडसपुर जाने वाले हैं और रमज़ान का महीना चल रहा है और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ हो रहा है और सेल लगा हुआ है। हमारे पास टिकट है नहीं तो मैं जा रहा हूँ पास बनवाने के लिए, तो चलिए पास बनवा लेते हैं। उसके लिए मुझे लगेगा आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और ये टिकट काउंटर है। चलिए मैं यहाँ से पास बनवा लेता हूँ, पास सेकंड क्लास। जैसा कि हमारा पास बन चुका है, 200 रुपये दिया मैंने तो मुझे वापस से 70 रुपये मिले। तो ये पास है हमारा, इससे मैं 1 महीने तक ट्रेवल कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। जब सीढ़ी से चढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बोर्ड लगी हुई नज़र आएगी जिससे आप पता कर सकते हैं कौन सी ट्रेन कितने बजे की है, स्लो है, फास्ट है। ऊपर जिस तरह से बोर्ड आपको नज़र आ रही है, आने की 5:33 की लगी हुई है। इस तरह से आप इजली सफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 में उतरे हैं, यहाँ से VT के लिए ट्रेन स्लो मिलती है और आप जब सेकेंड 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ से आपको हर्बर लाइन से फास्ट की मिलेगी, वडाला रोड की मिलेगी, 5 नंबर से फास्ट की मिलेगी। ये हमारी VT की ट्रेन आ चुकी है, ये स्लो है, इसमें हम लोग जाएंगे। काफ़ी भीड़ है और हमें इसमें सफ़र करना होगा। जैसा कि देख सकते हैं पब्लिक किस तरह से लटक करके जा रही है। हमें इसमें एंट्री लेना है और फिर इससे जाना है। आप देख सकते हैं काफ़ी रश भीड़ पब्लिक की। ये है मुंबई की लोकल ट्रेन, हम तो चढ़ गए हैं, बाकी आप पब्लिक से इस तरह से भीड़ लगी हुई है। इतने सारे पब्लिक के बीच में हमें जाना हो रहा है। हमारी ट्रेन यहाँ से कुर्ला से खुल चुकी है, देख सकते हैं कुर्ला से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। कुर्ला के बाद अपना नेक्स्ट स्टेशन शाइन आएगा। पब्लिक की गर्दी देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरह से यहाँ पर भीड़ रहती है। जैसा कि देख सकते हैं हमारी ट्रेन माटुंगा पहुंचने वाली है। आप में से कौन कौन मुंबई में सफ़र कर चुके हैं और मुंबई के कौन कौन है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं, वो भी कमेंट करें। आप यहाँ पे आए हैं तो कमेंट करें। हमारी ट्रेन माटुंगा आ चुकी है, ये कुर्ला के एक स्टेशन शाइन के बाद माटुंगा आती है। पब्लिक सारे दादर में उतर रही है, लगभग पब्लिक जितने भी है सब दादर के हैं। सब जल्दी जल्दी से उतर रहे हैं। लगभग यहाँ ट्रेन खाली हो जाती है, फिर आपको यहाँ पे बैठने का भी सीट मिल जाएगा, आप आराम से बैठ सकते हैं। देख सकते हैं दादर की भीड़, यहाँ से लोग दूर दूर जाने के लिए काफ़ी मुश्किल से चढ़ पाते हैं। आज तो संडे है इसलिए आज मेगा ब्लॉक रहा होगा। सैंडस रोड, अब हम लोग यहाँ से प्लेटफॉर्म 1 है, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे फिर निकलेंगे बाहर। देख सकते हैं ये सैंडस रोड है। ऊपर चढ़ेंगे और यहीं से आपको रास्ता मिलेगा बाहर जाने का। बता दूं कि
कि ये एक ऐसा स्टेशन है यहाँ पर टीटी हमेशा मौजूद रहती है, इसलिए आप यहाँ बिना टिकट के ना सफ़र करें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे लगभग टाइम पे टीटी मौजूद रहती है और आपको सीधा अंदर ले जा कर के फाइन डालना पड़ सकता है। तो ये सेंडर्स रोड का काउंटर है, यहाँ से टिकट ले सकते हैं आप और ये एग्जिट है। ये सैंडर्स रोड का एग्जिट है।